दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आप लगातार कुछ दिन दो बोतल या इससे ज्यादा स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को पियोगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। और तो और, इसके अंदर इतनी मात्रा में शुगर होती है कि आप जल्दी ही डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक का ज्यादातर इस्तेमाल कई लोग देर रात तक जागने के लिए और या फिर काम करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि रेडबुल या फिर स्टिंग एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक है जिन्हें अगर आप लगातार 3-4 दिन पी लोगे तो चौथे दिन आपका अपने आप मन करने लगेगा कि आप एक एनर्जी ड्रिंक को पी लें। ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्रियों में स्टिंग और मेंटोस ये सब कैसे बनाए जाते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, स्टिंग को पेप्सिको कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सन 2002 में स्टिंग को लॉन्च किया गया था, जो आज सबसे ज्यादा पी जाने वाली एनर्जी ड्रिंक्स में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो ज्यादातर लोग इसके पीने के दीवाने हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में सबसे पहले स्टिंग के मेन इंग्रेडिएंट यानी कि पानी को कार्बोनेट किया जाता है, मतलब कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि स्टिंग में बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, जैसे ही पानी अच्छे से कार्बोनेट हो जाता है तो इसमें शुगर और कैफीन को मिलाया जाता है। आपको बता दें कि एक कैन में करीब 35 से 40 ग्राम चीनी मिलाई जाती है और एक हेल्दी इंसान को एक दिन में 40 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। अब इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट और बहुत सी चीजों को मिलाया जाता है। दोस्तों, इसमें ऐसी खास चीजें पाई जाती हैं जो कि लोगों को बार बार पीने के लिए मजबूर करती हैं, और वो चीजें हैं टोरिन और विटामिन B3, जिससे इंसानों के अंदर उत्तेजना पैदा होती है। और ये सभी चीजें ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, और यही वजह है कि लोग इसको किसी नशे की तरह छोड़ नहीं पाते। अब दोस्तों, सभी चीजों को ऐड करने के बाद स्टिंग को कलर्स देने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर्स भी मिलाए जाते हैं, और ये सब प्रोसेस के खत्म होते ही स्टिंग का लिक्विड बनकर तैयार हो जाता है। अब इस लिक्विड को पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है और वहाँ पर पहले तो मशीनों की मदद से बॉटल्स को बनाया जाता है और उनको शेप दी जाती है। अब ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बॉटल्स के अंदर स्टिंग के लिक्विड को भरा जाता है और इसके बाद बॉटल के ऊपर स्टिंग के लेबल वगैरह लगा दिए जाते हैं, और अब जाकर आपकी स्टिंग आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें कैफीन और शुगर की मात्रा बहुत होती है जो आपको नींद नहीं आने देगी, जिससे आपका शरीर दूसरी बीमारियों से लड़ने के योग नहीं रहेगा, और छोटा सा वायरस भी आपकी मौत का कारण बन सकता है। नंबर 2, अब आइए दोस्तों जानते हैं कि फैक्ट्री में मेंटोस कैसे बनती है। दोस्तों, फैक्ट्री में सबसे पहले मेंटोस में नींबू वाला फ्लेवर लाने के लिए शुगर फ्री स्वीटनर, मैग्नीशियम स्टीरॉयड और लाइम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले प्रोसेस में इस सामग्री को एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है। जो हरी चीज आप इसमें देख रहे हो वो कोला और लाइम का मिश्रण है, और फिर इसको अच्छे से बाहर से बंद करके इसको लगातार 45 मिनट तक घुमाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद इसमें कुछ कलर्स ऐड किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें मिलाए जाने वाले सभी कलर्स एडिबल होते हैं, यानी कि आप इसे खा भी सकते हो। अब इसके बाद इनको मिक्सचर में लगी नोजल से बाहर एक ड्रम में निकाला जाता है, और जब वो ड्रम पूरी तरह फुल हो जाता है तो उसे दूसरी मशीन में डाला जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले प्रेसिंग मशीन में पाउडर को डाला जाता है, जिससे दवाइयों की टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये मशीन इतना फास्ट काम करती है कि ये एक मिनट में 18,000 गोलियां बना सकती है। ये मशीन बस पाउडर को होल में इंजेक्ट करती है, जिसको कंप्रेशन कहा जाता है, और इसके बाद इनको दूसरे सिलेंडर में डाला जाता है, जिसमें ज्यादा पाउडर को साइड में निकाल लिया जाता है, और बाद में इन गोलियों को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना